हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आप लोग का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जिस ट्रेन से जर्नी करने वाले हैं उस ट्रेन का नाम है नागालैंड एक्सप्रेस, जो ट्रेन नंबर है 15670। जो इस ट्रेन को 17 नवंबर 2011 को शुरू किया गया था। इस ट्रेन का टाइमिंग का बात करूँ तो ये जो ट्रेन है डेली चलती है जो डिब्रूगढ़ टाउन और गुवाहाटी के बीच में, जो डिब्रूगढ़ टाउन से चलती है दोपहर में 1:40, जो दूरी तय करती है 560 किलोमीटर 13:55 में, वो भी आपको 23 स्टॉप के साथ, जो गुवाहाटी पहुंचाती है सुबह में 3:15 पर। इस ट्रेन को पहले दीमापुर से गुवाहाटी और गुवाहाटी से दीमापुर चलती थी, लेकिन 2020 के बाद ये जो ट्रेन है दीमापुर से बढ़ाकर डिब्रूगढ़ टाउन तक कर दिया गया। जो अभी ये ट्रेन है डिब्रूगढ़ टाउन से गुवाहाटी के बीच चलती है। अपने अधिकतर स्टेशनों में देखा होगा कि दोनों साइड स्टेशन के दोनों साइड में एंट्री भी होता है और एग्जिट भी होता है, लेकिन डिब्रूगढ़ में क्या है, जो आपको इधर फ्लैग है आपको इधर से आना होगा और जाना होगा, और जो इधर में आप देख रहे हो इधर में जो ट्रेनें लगी है इधर में कोच रिपेयर होता है, कोच साफ होता है और कोच रिपेयरिंग भी होता है और लोकोमोटिव भी इधर रिपेयर होता है। देखो इधर में तो इधर में मालगाड़ी लोडिंग भी होती है, अनलोडिंग भी होती है। तो आपको इधर दोनों साइड में नहीं मिलेगा एंट्री और एग्जिट, सिर्फ जिधर फ्लैग है आपको इधर ही मेन है, इधर से आना होगा इधर से जाना होगा। तो बता दूं कि जो आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी के बीच, और जो आज हम लोग स्लीपर क्लास में जर्नी करने वाले हैं S18 साइड अपर जो सीट है हमारा। और आपको बता दूं कि डिब्रूगढ़ के नाम से दो स्टेशन है, एक डिब्रूगढ़ और एक है जो डिब्रूगढ़ टाउन है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, दो स्टेशन है, एक है डिब्रूगढ़ और एक है डिब्रूगढ़ टाउन। जो ये ट्रेन है डिब्रूगढ़ टाउन से चलती है, लेकिन हम लोग जो बोर्ड करने वाले हैं डिब्रूगढ़ से। तो आज का हमारा सीट है ये वाला। नागालैंड एक्सप्रेस में WDM मालदा शेड का लोगो डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है। 9 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन है जो चल चुकी है, और हमारा जो कोच है ना डीजल लोकोमोटिव के पीछे में है। डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पर आपको जो रेलवे स्टेशन है बहुत ही क्लीन मिलेगा, मतलब साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखा गया, बहुत मैंने देखा बहुत क्लीन था। और नॉर्थ ईस्ट का जितना भी रेलवे स्टेशन है सारा क्लीन ही रहता है, मैंने अधिकतर देखा है रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट जोन का जो रेलवे स्टेशन है सारा क्लीन रहता है। और डिब्रूगढ़ में आपको डोमेट्री रूम भी मिल जाता है, रिटायरिंग रूम भी मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ रह सकते हो। आपको ऑनलाइन भी बुकिंग करना पड़ता है कुछ। तो जो हमारी कोच है देखो एकदम डीजल लोकोमोटिव के पीछे है, एक जर्नल का कोच है आगे, उसके बाद हमारा है। और ट्रेन देखो पूरी दिख रही है, देखो ट्रेन देखो पूरी दिख रही है, देखो देखो पूरी ट्रेन दिख रही है। ज़्यादा बड़ी ट्रेन नहीं है, छोटा छोटा सा ही ट्रेन है। देखिए डीजल लोकोमोटिव कैसे पिकअप करता है, देखिए साउंड, देखिए साउंड कितना मस्त है। ये सब जो दिख रहा ना आपको सब टी गार्ड है। तो हमने भी 100 किलोमीटर का दूरी तय किया है, जो पहुंचे हैं सिमलीगुड़ी जंक्शन, और सिमलीगुड़ी जंक्शन का स्टेशन कोड है SLGR, और ये 3 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इसका 5 मिनट का स्टॉप था, लेकिन ये 10 मिनट डिले चल रही है, तो आपको फिर से इसका अपडेट देता हूँ। तो अभी हमने ये जो रेलवे स्टेशन है ये आसाम का शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है, और रेलवे के साथ हम लोग तिनसुकिया डिवीज़न में चल रहे हैं।
हमने 153 किलोमीटर का दूरी तय किया, जो पहुंचे हैं मेरानी जंक्शन, और मेरानी जंक्शन का स्टेशन कोड है MXN, और ये तीन पेड़ परमाणा रेलवे स्टेशन है, और ये जो रेलवे स्टेशन है आसाम का जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे इसका टाइम तो 4:32, लेकिन ये 4:44 में आइए, मतलब 12 मिनट डिले। और हमने रास्ते भर में पूरा चाय का बगान का पूरा मजा लिया, लेकिन आप लोगों को भी कुछ कुछ वीडियो दिखाया हूँ, देखना पूरा चाय का बगान, रेलवे स्टेशन ट्रैक के सामने में चाय का बगान। और आप देखिए यहाँ पर सनसेट भी हो गया है, ठीक है, अभी 5 बजने वाले हैं, सनसेट हो गया, लेकिन कितना मस्त वेदर, देखिए कितना मस्त लग रहा है सनसेट का। और लोकोमोटिव का ठीक पीछे जनरल का क्लास है, मतलब जनरल कोच है, उसके पीछे हमारा कोच है, तो भाई ICF कोच है ना, बहुत आवाज़ कर रहा है, खटखट खटखट बहुत आवाज़ कर रहा है, लेकिन लोकोमोटिव का साउंड सुनने मजा आ रहा है, लोकोमोटिव का साउंड है पूरा, जब पिकअप धरे ना पूरा अलग ही साउंड आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है। और इसका जो लोकोमोटिव है यहाँ पे चेंज किया जाएगा, मतलब रिवर्स जाएगी ट्रेन, तो जिस साइड में हम खड़े थे वहाँ से लोकोमोटिव खोलकर उसका आगे लगाया जाएगा, तभी आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, जा रहा हूँ अभी आगे की तरफ, मतलब दिखाने के लिए जो लोकोमोटिव लगेगा। तो आप लोग देखिए जो लोकोमोटिव हम लोग को हमारी ट्रेन को लेकर चल रही थी, वही लोकोमोटिव आगे से खोलकर फिर पीछे इसका मतलब इस साइड लगाया जा रहा है, मतलब हमारी ट्रेन यहाँ से फिर वापस चलेगी, तो अभी कपलिंग किया जा रहा है, देखिए तो 25 मिनट के देरी से हो गए हैं डिपार्चर। तो अभी हम लोग सबसे आगे चल रहे थे, मतलब इंजन के पास, लेकिन अब हो गया इंजन आगे, तो यहाँ से हमारी ट्रेन अभी हम लोगों के सबसे पीछे। तो अभी हमने 307 किलोमीटर का दूरी तय किया, जो पहुंचे दीमापुर, दीमापुर का स्टेशन कोड DMB, और ये तीन प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। इससे पहले हम लोग तिनसुकिया डिवीजन में चल रहे थे, लेकिन अब हम लोग गुवाहाटी तक लुमडिंग डिवीजन में चलेंगे। और इस रेलवे स्टेशन को 1903 में ओपन किया गया था, और यहाँ पे इसका टाइम था 9:15, लेकिन ये 9:30 का ही, मतलब 15 मिनट पहले ठीक चल रही थी, लेकिन अभी ये डिले चल रही है। यहाँ पे पूरा 10 मिनट का स्टॉप था, 10 मिनट नागालैंड स्टेशन
तो 375 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं लुमडिंग जंक्शन, और लुमडिंग जंक्शन का स्टेशन कोड है LMG, और ये 5 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। और बता दूँ कि ये जो रेलवे स्टेशन आसाम का होजोई डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर डेली 68 ट्रेनें जो रुकती है और 3 ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पर इसका टाइम था 11:10 पर, तो लेकिन अपनी ट्रेन जो टाइम पर चल रही है और यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। तो यहाँ पर रोटी सब्जी लेते हैं, 30 रुपये का मिल रहा है। ₹30 का 3 रोटी और सब्जी। ये सब्जी रोटी लिया है ₹30 प्लेट का, और एक अंडा भी लिया जो ₹10 का दिया है एक अंडा। और जो रोटी खाया, रोटी ठीक ठाक था, बट सब्जी उतना अच्छा नहीं था, सब्जी उतना मस्त नहीं था। हाँ, अंडा के साथ रोटी मैंने मार दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। और इस ट्रेन में पेंटी कार नहीं है, ये छोटा 550 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, इसलिए पेंटी कार नहीं है। और हाँ, डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी तक का जो टिकट फेयर है, आपको यहाँ शो करता होगा जो डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी तक का क्या टिकट फेयर है। और ठंड भी बहुत है, मतलब जब ट्रेन के अंदर ठीक है, बट ट्रेन के बाहर स्टेशन पर जब वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको बहुत ठंड है भाई, क्योंकि हवा चल रहा ना, इसलिए ठंड है। और इसके बाद मैं जाऊँगा सोने, क्योंकि रात भी हो गया है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बिफोर, आधा घंटा पहले आ गए हैं यहाँ पे। इसका टाइम था 3:15, लेकिन ये 2:45 भी पहुँचा दिए। तो ये था फ्रेंड्स नागालैंड एक्सप्रेस ट्रेन का जर्नी का ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।